क्या आपकी वोकैबुलरी वीक होने की वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते? क्या आपके पास एडवांस इंग्लिश वर्ड्स नहीं है? अगर हाँ तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के 15 ऐसे एडवांस वर्ड जिनका यूज़ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो गाइस, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए ताकि आप सभी वर्ड को क्लियर कर सकें। सो हे गाइस, मैं हूँ आपका सईद फैजी और आप सभी लोगों का हमारे फैजी क्लासेस चैनल में स्वागत है। सो गाइस, विदाउट वेस्ट टाइम चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है फ्रैंकली। हाँ दोस्तों, फ्रैंकली का हिंदी में अर्थ होता है साफ साफ या फिर दिल खोलकर। जैसे इस तरह का वाक्य आप लोग ज़रूर बोलते होंगे कि साफ साफ बताओ मुझे तुमने क्या किया, तो आप इसे इंग्लिश में बोल देंगे टेल मी फ्रैंकली व्हाट डिड यू, टेल मी फ्रैंकली व्हाट डिड यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिलेरियस। हाँ दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ होता है मज़ेदार या मनोरंजक। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूँ कि आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, यह मनोरंजक है, यानी कि बहुत मज़ेदार है, ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में बोल देंगे यू मस्ट रीड दिस बुक इट्स हिलेरियस, यू मस्ट रीड दिस बुक इट्स हिलेरियस। अगर कोई चीज़ बहुत मज़ेदार हो तो वहाँ पे आप लोग यूज़ कर देंगे इंग्लिश में हिलेरियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑन एंड ऑन। गाइस, ये वर्ड एक फ्रेजल वर्ब है और इसका हिंदी में अर्थ होता है लगातार। जैसे इस तरह का वाक्य आप लोग बोलते होंगे कि उन्होंने लगातार शाम तक बातचीत की, तो आप इसे इंग्लिश बोल देंगे दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन टिल द इवनिंग, दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन टिल द इवनिंग। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिक्स। ये तो आप लोग शायद जानते होंगे। इसका हिंदी में अर्थ होता है तय करना या फिर ठीक करना कि कृपया मेरा लैपटॉप ठीक कर दें, तो आप इसे इंग्लिश में बोल देंगे प्लीज फिक्स माई लैपटॉप, प्लीज फिक्स माई लैपटॉप। या फिर आप अगर लाइक तय करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि चलो पिकनिक की तारीख तय करते हैं, तो लेट्स फिक्स द डेट ऑफ फॉर द पिकनिक, लेट्स फिक्स द डेट फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पर आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे ठीक करने के लिए या फिर तय करने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिगर आउट। हाँ दोस्तों, ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है और इसका हिंदी में अर्थ होता है पता लगाना। जैसे मैं कह दूँ क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरी जेब में कितने पेंस हैं, तो आप इसे इंग्लिश से बोल देंगे कैन यू फिगर आउट हाउ मेनी पेंस आई हैव इन माई पॉकेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट द मोस्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ये तो वर्ड आप लोग ज़रूर यूज़ करते होंगे हिंदी में कि ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगेगा, तो आप इससे इंग्लिश से बोल देंगे इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर एट द मोस्ट, इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर एट द मोस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। हाँ दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ होता है टाल मटोल करना। जैसे मैं कह दूँ कि व्हाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट, आप टाल मटोल क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसेंशियल। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि ज़रूरी या फिर आवश्यक। जैसे मैं कह दूं कि इस नौकरी के लिए अनुभव होना ज़रूरी है, तो आप इसी न्यूज़ से बोल देंगे एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल फॉर दिस जॉब, एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल फॉर दिस जॉब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवरी नुक एंड कॉर्नर। सो गाइस, इसका हिंदी में अर्थ होता है चप्पा चप्पा या फिर कोना कोना। जैसे इस तरह का वाक्य आप लोग ज़रूर बोलते होंगे कि मैंने उसे चप्पा चप्पा खोजा लेकिन वह नहीं मिला। ओके, आई सर्च्ड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ मार्केट फॉर दिस बुक। क्लियर है? तो जब भी कोई चीज़ बोलना हो कि चप्पा चप्पा या फिर कोना कोना, तो वहाँ पर आप यूज़ कर देंगे एवरी नुक एंड कॉर्नर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेनीलेस।
दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ होता है कंगाल होना, जैसे ही हैज़ बिकम पेनलेस इन हिज बिजनेस, यानी कि वह अपने बिजनेस में कंगाल हो गया है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है हर्ट स्किप्स द बीट। इसका हिंदी में अर्थ होता है अचानक हैरान होना। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूँ कि व्हेन आई हियर, जब मैंने सुना, ही लॉस्ट हिज लाइफ की उसकी मृत्यु हो गई, माय हर्ट स्किप्ड द बीट कि मैं हैरान हो गया, मैं अचानक से हैरान हो गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट। हाँ दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ होता है नाजुक या फिर कमज़ोर। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूँ, उसका सच में एक कमज़ोर दिल है, तो आप इसे इंग्लिश से बोल देंगे शी हैज़ रियली गॉट ए डेलीकेट हर्ट। जब भी कोई चीज़ नाजुक हो, बिल्कुल कमज़ोर हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं डेलीकेट। नेक्स्ट वर्ड और दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। इसका होता है भड़काना। जैसे हम कहते हैं ना कि उसने मुझे भड़काने के लिए ये जानबूझकर किया, तो आप इसे इंग्लिश से बोल देंगे शी सेड इफ डिलीबरेटली टू प्रोवोक मी। सो गाइस, इस तरह से आपका सभी वर्ड पूरा हुआ। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट हमारे चैनल से इंग्लिश सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।